टोरंटो विच राती 10:30 बजे गोलियां चलियां ने, जिस तों बाद गंभीर हालत विच एक नौजवान हस्पताल ले जाया गया। विलो रिज रोड ते एगलिंटन एवेन्यू वैसट दे उत्ते वापरिया। नौजवान की उम्र करीब 20 साल है, जिसकी हालत खतरे वाली बनी हुई है। एगलिंटन क्रॉस टाउन LRT विच सफर करना किस तरह का लगेगा, टोरंटो विच इसकी पहली दिख जारी कर दिती गई है। मैट्रो वैनकूवर विच वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दे लई जिस कंपनी नू प्रोजेक्ट दिता गया सी, कंपनी ने समय सिर काम नहीं किया, जिस तों बाद इस ठेके नू वापस ले लिया गया। बर्नबी विच 2019 दौरान एक सड़क हादसे विच साइकिल चालक की मौत हो गई सी, जिस दे लई गड्डी दे ड्राइवर सुमीत मांगट नू खराब गड्डी चलाउण दे लई दोषी करार दिता गया। जस्टिन ट्रूडो आउंदे सोमवार नू कैमलूप्स दे मूल निवासियां दे भाईचारे विच पहुंच रहे ने, सितंबर 30 तों बाद कीते अपने वादे नू पगाउण दे वास्ते। जंपर दे वल्लों एक रिपोर्ट जारी करके दावा कीता गया कि वैनकूवर विच घरां दे किराए टोरंटो नालों वी ज़्यादा ने, जिस विच कहा गया कि औसतन $330 तक किराए वैनकूवर विच टोरंटो दी तुलना मुताबक ज़्यादा ने। कैनेडा के वातावरण विभाग ने मैट्रो वैनकूवर ते फ्रेजर वैली दे लई तेज़ मीह पैण की चेतावनी दिती है, जिथे औसतन 75 to 150 mm तक मीह पै सकता है। अक्तूबर 15 तो बाद हुण ब्रिटिश कोलंबिया विच लागू हो गया है कि काम करन दे लई घट्टो घट उम्र 12 साल नहीं सगों 16 साल होवेगी। कैलगरी विच एक व्यक्ति ने डाउनटाउन च लोगों के उत्ते हमला कर दिता, जिसनों गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 व्यक्ति जख्मी हुए ने। नशे करके हुंदियां मौतों के लिए जागरूकता फैलाउण दे लई एडमंटन विच जामणी रंग के रीबन ते चिट्टे रंग के फुल कई थावां दे उत्ते लगाए जा रहे ने। ओंटेरियो दे एक जोड़े ने खिड़कियां बनाउण दी एक कंपनी दे लई माड़ा रिव्यू दिता, तां उस कंपनी ने जोड़े नू तंग किया, जिस बदले कंपनी नू $1,66,000 का भुगतान करना पिया। उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया विच COVID-19 दीआं हदायतां नू होर ज़्यादा सख्त कर दिता गया है। मामलों की वध हो रही गिणती दे करके फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 25 अक्तूबर तक कर सकते ने नवी कैबिनेट का ऐलान, जिस मौके नवे चेहरियां का ऐलान हो सकता है, जिन्हां नूं मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया विच मूल निवासियों ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिस नाल ड्रोन दे राही दवाइयां दी सप्लाई की जाएगी। कैलगरी दे एक जज ने मास्क खिलाफ प्रदर्शन करन वाले पादरी दे परिवार समेत एक कैफे नूं जुर्माना किया। ओंटेरियो विच सूबा सरकार आउंदे हफ्ते दौरान कई ऐलान करन जा रही है, जिस विच COVID-19 दीआं हदायतां नूं खत्म कर दिता जाएगा, जिस च कई हदायतां खत्म कीतियां जाणगियां, सारियां नहीं। इस समय कौमांतरी पद्धर दे उत्ते व्यापार की सप्लाई खराब चल रही है, तां वी कैनेडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कैनेडा की आर्थिकता दे विच भरोसे का प्रगटावा किया है। जांच टीम ने दस्या कि ब्रिटिश कोलंबिया दे लिटन दे विच जो अग लगी सी, उस मौके रेल गड्डी करके अग लगी होण दा जांच दौरान कोई भी सबूत नहीं मिलिया। क्यूबेक विच COVID-19 दे टीके ना लगवाउण वाले सेहत कामियां नूं होर ज़्यादा समा देण दा ऐलान कीता गया, जिस तों बाद उन्हां नूं मुअत्तल कर दिता जाएगा। हुण एक होर महीना कामियां नूं दिता गया जदों तक उह COVID-19 दे टीके लगवा सकदे ने। अमेरिका विच नवंबर 8 तो गैर जरूरी ट्रैवल दे लई भी कैनेडा वासी जा सकणगे, जिन्हां दे वक्खो वक्खरियां कंपनियां दे टीके लगे हुए ने, उन्हां नूं भी कोई दिक्कत नहीं आवेगी, यह दावा किया जा रहा है। कैनेडा विच मुड़ तो पार्लीमेंट की शुरुआत नवंबर 22 तो हो सकती है, अधिकारियों दे वल्लों जानकारी सांझी की जा रही है।
कैनेडा के एक सीनियर मिलटरी अफसर नू कई हफ्ते दे लई छुट्टी दे उत्ते भेज दिता गया जो जिनसी शोषण के मामले संबंधी जांच शुरू हो गई है। अल्बर्टा के रेडियर दे विच इक 10 अक्टूबर नू 2 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया सी, जिसनू घर दे विच जख्मी पाया गया सी ते बाद विच उस बच्चे ने दम तोड़ दिता। घर विच उस समय मौजूद 30 साल औरत दे उत्ते कतल का मामला दर्ज हो गया जिसकी पछाण पुलिस ने नहीं दसी। एडमंटन विच अगले मेयर अमरजीत सोही बन सकते ने, एग्जिट पोल के नतीजों के विच दावा किया जा रहा है। हैमिल्टन पुलिस ने 2 कतल के मामलों विच 6 गिरफ्तारियां कीतियां ने।